नवरात्रि के दूसरे दिन करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें इस दिन क्या है खास। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धता पाने के लिए की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अविवाहित रूप है। इनके एक तरफ कमंडल और दूसरी तरफ जपमाला होता है। वही इस दिन पूजा के बाद माँ को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। आपको उस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। बता दें कि माँ ब्रह्मचारिणी को सरल, शांत और सौम्य का प्रतीक माना गया है। माता अपनी तप, त्याग, दृढ़ शक्ति के लिए जानी जाती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि माता सती के आत्मदाह करने के बाद माँ पार्वती का जन्म हुआ। माँ पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। इसके लिए माता ने कठोर तपस्या की। इस दौरान माता ने ब्रह्मचर्य त्याग का पालन किया। माता के स्वरूप को माँ ब्रह्मचारिणी कहते हैं। वही माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए आपको चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल और कमल अर्पित करें, क्योंकि माता को ये दोनों फूल बहुत ही पसंद है। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता रानी का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि पूजा की चीजें अर्पित करें। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।